नमस्कार सर नमस्ते सर क्या नाम है सर आपका सर मेरा नाम कपूरदास पडोदा मेव तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान से हूँ सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली सर मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा जुलाई 2013 को लिया सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे जैसे हनुमान जी की हनुमान जी के सुबह एक घंटे पूजा पाठ करता था सभी व्रत रखते थे सभी तीर्थ स्थानों पर जाते थे मत्थर टेकने के लिए जैसे कि बालाजी मेहंदीपुर गिरिराज जी महाराज आपके खाटू श्याम ये सारे देवी देवताओं के यहाँ मत्थर टेकने के लिए जाते थे लेकिन सभी की भक्ति करते थे सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे और तीर्थ स्थलों पर भी जाते थे तो सर इतनी भक्ति साधनाएं करने से आपको क्या क्या लाभ मिले सर जैसे मैं ये सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे तो मुझे अस्थमा एलर्जी आँखों में जलन और पूरा जीवन अब तक का जो पूरा जीवन था सन 2013 से पहले का उसमें कष्ट भरी पूरे जीवन में यानी कि मेरी ज़िंदगी गुजरी है और मेरे एक बेटी और एक बेटा है उसको सन 2009 में इतनी भयंकर बीमारी हुई डेंगू बुखार हुआ किडनियों में इन्फेक्शन हुआ और वो काफ़ी पैसा लगाने के बाद यानी कि उसको जीवन दान परमात्मा ने ही दिया है लेकिन हमारे पिताजी भी यही देवी देवताओं को भक्ति करते थे सौमणि करते थे हनुमान जी की हर छः महीना बारह महीने में सौमणि करते थे लेकिन उनका जीवन भी पूरे कष्ट में निकला हमें कोई उनसे लाभ नहीं मिला सर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमारा एक मित्र था तो वो जाके आया था मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है तो उसने आके हमें बताया शिवचरण दास है पहले शिवचरण जाट था वो नाम से तो हमें उसने बताया खेमचंद ने तो खेमचंद के बताने के बाद हम वहाँ बरवाला आश्रम पे गए और हमने वहाँ पहली बार जाके वो सिस्टम देखा जा के सिस्टम देखा तो हम पहली बार वहाँ गए तो हमने देखा तो ऐसा लगा जैसे हम पहली बार नहीं आ कितनी बार आ चुके हैं और एक जानी पहचानी सी जगह लगी उसके बाद में हमें वो नियम उसने बताए हमारे जो भगत जी साथ लेके गए थे उसने बताए एक भैया ये किस नियम है हमने बगैर कोई नियम देखे हुए और हमने बोला भगत जी हमें नाम दिलाओ तो उन्होंने हमारा पर्चा भरवा के और उन्होंने वहाँ नाम दिलवाया सर जैसा कि आपने बताया आप विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे तीर्थ स्थानों पर भी जाते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कुछ लाभ भी मिले सर सबसे पहले तो हमें ये जाना कि संत रामपाल जी ने शास्त्रों के अनुकूल जो ज्ञान दिया है तो उसके बारे में हमें ये पता नहीं था तो शास्त्र क्या होते हैं हमारे बुजुर्ग जो करते आ रहे हैं वही हमने किया लेकिन श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं गीता अध्याय नंबर सोलह के श्लोक नंबर तेईस में किया शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करता है ना ना तो उसको कोई सुख होता है ना उसकी कोई गति होती है ना उसको कोई सिद्धि होती है तो सर हम तो करते ही मनमान आचरण कर रहे थे पूरे लेकिन संत रामपाल जी के शरण में जाने के बाद में हमने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति शुरू की और शास्त्रों के अनुकूल भक्ति शुरू करने के बाद में हमें पहला लाभ ये हुआ एक हमारा अस्थमा और एलर्जी बिल्कुल पूर्ण तक है एक टेबलेट भी नहीं लेते पूरी तरह यानी कि स्वस्थ हो गए सबसे पहला लाभ तो हमें यह हुआ सर उसके बाद हम 2013 जुलाई 2013 में जुड़े थे सबसे पहला ये लाभ होने के बाद में जो दीपावली आती है 2013 को तो धनतेरस पे हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापार में यानी कि हमारी अच्छी बिक्री होती है धनतेरस दीपावली पे तो उससे पहले पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई तबीयत ख़राब होने, होने के बाद में उसको हम हॉस्पिटल लेके आए हॉस्पिटल लाने के बाद में जैसे ही पाँच सात दिन भर्ती रखने के बाद में उसको वापस घर लेके ठीक होने के बाद घर लेके चले गए उसके बाद में दोबारा फिर तबीयत ख़राब हो गई तबीयत ख़राब होने के बाद में उसको फिर जयपुर ले गए जयपुर फिर दो तीन दिन रखने के बाद में फिर डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया और उसको ले आए तो अचानक तबीयत घर लाने के बाद में दो तीन बार दो तीन दिन बाद में इतनी तबीयत ख़राब हुई एक उनको जो गोली हम गोली दवाइयाँ जो देते थे उनके महमे यानी कि जैसी गोली दवाई अपन ने डाली तो वो गोली दवाई अंदर जाती नहीं थी एक घूट पानी भी नहीं जाता था और खांसी होकर उल्टी वापस आ जाती थी और हमारे पिताजी खुद नब्बे वर्ष की उम्र है वो खुद बोल रहे हैं एक ये काल के दूध खड़े हैं भैया ये दो हैं इनको लाओ इनको भगाओ और भयंकर काल का प्रकोप इतना भयंकर यानी कि दुख हुआ उनको आंखों से दीखता बंद और कुल मिला के सारे भाइयों को रिश्तेदारों को सबको बुला लिया मैं लास्ट टाइम है और हम चार भाई हैं चारों भाइयों की जो घरवाली वाली हैं उनको बुला लिया और वो जो हमारे हिंदू धर्म में ये पर्दे प्रथा है ये पर्दा प्रथा वो करती थी लेकिन उसके बाद उन्होंने पर्दा प्रथा हटाकर घूंघट उगा लिया और उनको ग्यारह ग्यारह सौ रुपये उन्होंने बिदामे दे दी और बिल भैया मैं जा रहा हूँ तो हम पूरा परिवार बैठा बैठा रो रहा था तो हमारे जो भगत जी जो मेरे साथ नाम दान लिया था शिवचरण दास तो हम दोनों थे हम भी रो रहे थे उसके बाद में मैंने शिवचरण भगत जी को बोला भगत जी बताओ क्या करें बिल परमात्मा कुछ कर सकते हैं तो शुरू में परमात्मा की ज्योति जलती है जैसे ज्योति के सामने हम दोनों वहाँ गए संत रामपाल जी से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद तो हमें वहाँ से भगत भाई ने कहा एक भैया आपकी प्रार्थना नंबर छियालीस है आज भी मेरी याद है और आप सुबह नौ बजे पूछ लेना तो जैसे ही यानी कि प्रार्थना लगी तो हमारी बच्ची दौड़ के भाग के आई एकदम बिल पापा बाबा तो खड़ा हो चौक में नाच रहा है जबकि हमारे पिताजी का चलना तो दूर रिगस रिगस के बाथरूम करने के लिए ले जाते थे वो खड़ा भी नहीं हो जाता था संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई उसके बाद फिर सुबह हमने दूसरे दिन जैसे ही आश्रम फोन लगाया तो वहाँ भगत भाई बोला उन्होंने कहा काल का बहुत ज़्यादा अटैक है आप इनको लेके आओ नाम दीक्षा दिलवाओ तो हम हमारी गाड़ी थी उसमें बैठा के और जैसे ही वहाँ चलने लगे तो उसको बाथरूम की समस्या थी वो गले की जो समस्या थी वो तो ठीक हो ही गई तुरंत उसके बाद बाथरूम की जो समस्या थी उसने जैसे ही गाड़ी में बैठाया बोले रोको एक मिनट और रोकने के बाद जैसे ही वो बाथरूम करके गए तो बोले मेरी ये बीमारी भी ठीक हो गई मैंने बोला देखो अभी संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में चल रहे हैं अभी देखो क्या क्या चमत्कार होते हैं उसके बाद में जैसे ही हम चले तो वो खाना नहीं खाता था तो हमारे अलवर के पास में ये बहादुरपुर चिकानी पड़ती है यहाँ हमने गाड़ी रोकी पानी वानी पीने के लिए तो हम लस्सी भर के लेके गए थे पराँठा करके ले गए थे तो दो पराठे एक किलो लस्सी को वो ठोक के पी गया वो बुज़ुर्ग हमारे पिताजी हैं जो उसके बाद में हम बरवाला पहुंच गए बरवाला जैसे ही बरवाला शहर में घुसे तो हमने एक किलो मौसमी के जूस को पी गया उसके बाद और फिर जैसे ही वहाँ आश्रम पर पहुँचे संत रामपाल जी के श्लोक आश्रम पर वहाँ पहुँचने के बाद में आ, अंदर हो गए अंदर होने के बाद में उसको भंडारा वंडारा खिलाया वहाँ जबकि जिस दिन दाल थी चने की मिक्स तो उसको पस्ती नहीं थी तो मिक्स दाल और पाँच पा, रोटियाँ वहाँ भंडारा लिया उसके बाद उसको नाम दीक्षा दिलवाई और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया उसके बाद महाराज जी का जैसे ही आशीर्वाद का टाइम हुआ तो आशीर्वाद के वहाँ शिवचरण भगत जी उसको लेके गए संत रामपाल जी महाराज जी का आगे प्रार्थना की और ये कहा महाराज जी ये वो आत्मा है जो आपने जिसको जीवन दान दिया है तो महाराज जी ने एक ही बात बोली एक आपको जीवन दान ये आपको भक्ति करने के लिए दिया है आप भक्ति करो और स्वस्थ रहो तो ये मान लो उसको यानी कि पूरी झुर्रिया पड़ रही थी पूरे चेहरे पर ये खाल वाल ये ऐसा लटक गई थी हाथों की ये पूरी संत रामपाल जी ने जैसे उनको आशीर्वाद दिया तो ऐसे मानो जैसे ट्यूब के अंदर एक हवा भर जाती है पूरा और पीला जर था हल्दी का जैसा रंग था लाल सुरख हो गया ये मेरी आंखों देखी मैं आपको कोई ऐसा नहीं है कोई झूठ बोल रहा हूँ ये पेवर सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको ये चमत्कार हमारे सामने हुआ उसके बाद में एक हमारी सगी बहन थी तो वो पूरे जीवन उसका कष्ट में चला गया और अब ये 2017 की बात है अप्रैल 2017 तो जैसे ये गेहूं की कटाई चल रही थी गेहूं की कटाई चलने के बाद में उसको अचानक खूनों की उल्टी आना शुरू हो गया और खूनों की उल्टी इतनी भयंकर आ गई कि जो होता है गेहूँ का जिसको कूड़ बोलते हैं तो खून इतना आता था जो कूड़ भर जाते थे यानी कि एक आधा आधा लीटर खून इतना भयंकर हमने समझाया उनको एक भाई आप नाम दीक्षा ले लो आप सही हो जाओगे लेकिन नहीं माना काफ़ी हॉस्पिटलों में यहाँ भी काफ़ी हॉस्पिटलों में खूब दिखाया खूब पैसे की बर्बाद की उनके घर वालों को समझाया लेकिन नहीं जचा उसके बाद में सारे थग गए सारा घाव ये मरेगी उसके बाद यानी कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में यहाँ हमारे घरवाली के साथ उसको लेके आए अलवर नामदान केंद्र पे उनको नाम दीक्षा दिलवाई और बाईस अप्रैल 2017 को नाम दिलवाई है नाम दिलवाने के बाद वो हमारी बहन है सगी रामकला नाम है उसका और पूरी तरह इतनी भयंकर बीमारियाँ एक पूरी तरह खूनों की उल्टी मांस के टुकड़े पीस की पीस बाहर आते थे ये स्थिति थी इतनी दुखी थी वो आत्मा और उसके बाद में जैसे ही बाईस अप्रैल 2017 को नाम दिलवाया उस दिन का दिन है आज का दिन है उसको छींक तक नहीं आई उसको हर बार बुखार आता था चौमासाओं में बर बरसातों के टाइम में बुखार आता था जुकाम लगती थी लेकिन ना कोई जुकाम लगती है उनको ना कोई अब किसी भी तरह की बीमारी और पूरी तरह स्वस्थ है एक ये हुआ एक हमारी भुआ जी है उसको यहाँ गले में थी फिर हमारी बहन ने जैसे नाम लिया तो उसको भी विश्वास हो गया विश्वास होने के बाद में हमारी भुआ जी को भी यहीं से नाम दिलवाया एक महीने बाद और उसको स्तनों के बीच में बेल गमेरी होती है एक बेल गमेरी ती उसमें पस आता था और वो गांठ थी और पूरे शरीर में एलर्जी हो जाती थी धूप में अगर थोड़ी सी भी चले गई तो उसके बाद में वो पूरी तरह वो भी हमारी बुआ जी भी पूरी तरह स्वस्थ है परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और एक ताज़ा लाभ ये हुआ है सर अभी अभी सात तारीख को यहाँ सत्संग था अलवर जेल कारागृह में तो हम भी वहाँ गए थे तो सत्संग सेवा यहाँ करके कैदियों को ना यहाँ सत्संग सुना के जो व्यवस्था थी जिस हिसाब से तो हम लौटे तो शाम के टाइम में मैं पहुँचा पहुँचने के बाद में जो पैसे थे मेरी जेब में जो मैंने निकाल के सारे पैसे गले में जो पैसे थे वो एक जगह करके और हमारी भक्तमती को घर पे दे दिए तो उसके बाद में कोई पैसे नहीं थे जो गाड़ी हमारी जो आती है सामान की वो गाड़ी आई लेकिन शोरूम भर चुका था तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे उसको भाड़ा देना था आठ सौ तो वो सामान हमने आके रख दिया मैंने हमारी जो बेटी है उससे कही एक आप शोरूम खोल लो शोरूम खोल के गल्ले में पैसे रखें वो दे दो आठ सौ उसको भाड़ा के दे दिए मेरी जेब में एक रुपया भी नहीं था और हमारा जो बेटा उसने कहा कि जूस पीऊँगा पापा जूस पिला के लाओ तो हम दो सौ रुपये जूस के लिए अलग से ले लिए बस दो सौ रुपये हुए थे और हम जूस पीने के लिए चले गए लेकिन नौ बजे गए थे मार्केट की दुकान भट चुकी थी वापस आ गए बस दो सौ रुपये मेरी जेब में थे मैंने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी उसके बाद में जब ला के एंगर के शर्ट और पेंट लगा दिए सुबह जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने ड्रेस चेंज की तो मैंने जैसे ही जो मेरे जो पर्ची वगैरह जो भी होता है आधार कार्ड वगैरह जो दूसरी उसके लिए निकाला रखने के लिए तो मैंने देखा तो पाँच हज़ार रुपये दो हज़ार के दो नोट और पाँच पाँच सौ के दो नोट पाँच हज़ार रुपये यानी कि मेरी जेब में मिले तो मैंने वालों से पूछा कि पैसे कहाँ से आए आपने रखे हैं क्या बोले नहीं पूरी जानकारी कर ले, लेकिन कोई नहीं रखे परमात्मा ने पाँच हज़ार रुपये मुझे ये मेरी जेब में पाए ये परमात्मा सतूर रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है और सन दो हज़ार चौदह की बात है कबीर जी के प्रकट दिवस पर हम सभी परिवार वाले बरवाला आश्रम गए हुए थे तो वहाँ से जैसे ही हम रात में निकल रहे थे और रात में संगत ज़्यादा होने के कारण कुछ बहनें जो नीचे बस में बैठी थी और भाइयें जो ऊपर बैठ गए थे तो हम सभी भगत भाई ऊपर बैठे थे तो मैं बस के कैरियर होती है वो इंगल होती है उस पर बैठा था आगे की तरफ मौकर के तो आश्रम से कुछ दूर चलने के बाद बरवाला साइड में तो एक बबूल का पेड़ है उसका सूखा हुआ खूंट घूमता हुआ नीचे की साइड में ऐसा था तो सामने से बरवाला साइड से एक टैंकर आ रहा था टैंकर ने जैसे साइड दबाई तो वो जो आश्रम की बस्ती उसने साइड पटरी पर उतार लिया वो बस को तो जैसे ही वो खूंट नज़दीक आकर मेरे चेहरे से टकराया और खूब अच्छी तरह बहुत होश आवास में था ऐसा नहीं है और काफ़ी भक्त भाइयों को मैंने आवाज़ सुनाई दी बहुत भयंकर आवाज़ हुई आ, जैसे अपन कुल्हाड़ी को कोई लकड़ी में मारते हैं पोले खूंट में मारते हैं इस तरह की आवाज़ हुई मैंने हमारे शिव चरण भगत जी थे उनको बोला एक राम अवतार भगत जी थे उनको बोला मेरे ऐसे ऐसे ये चेहरा फट गया आप जल्दी करो जल्दी संभालो मुझे तो उन्होंने शिव चरण भगत जी ने रात का समय था तो जैसे मोबाइल की लाइट जैसे जोड़ी तो उसको मामूली बिल भगत जी कोई मामूली सी आई है नाखून के बराबर कोई नहीं तो मैंने उस दिन दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा एक भगवान वास्तव में ही भगवान है तो उसके बाद में मैंने जैसे स्टेशन पर आए बरवाला स्टेशन पर मैंने जो बस के ड्राइवर हैं उनको भी ये बोला हुआ है वो भाई अगर जैसे मेरी बात सुन रहे होंगे तो जरूर जान रहे होंगे उनको बोला है एक भगत जी ये बस ये खूंट है बरवाला आश्रम से उर् तरफ जो बरवाले की तरफ आते हैं ये खूंट को आप कटवा देना आज मेरे ऐसे सही बहुत तगड़ एक्सीडेंट हुआ है लेकिन परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे बचा लिया सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर मैं कोई संदेश देने लायक तो नहीं मैं तो करबद्ध प्रार्थना कर सकता हूँ मेरे भक्त भाइयों से मेरे जगत भाइयों से जो जैसा एक दिन मैं दुखी था ऐसे वो भाई जो दुख भोग रहे हैं और कहीं उनका निवारण नहीं है अगर धरती पर कहीं निवारण है सभी दुखों का कष्टों का आर्थिक लाभों का सामाजिक लाभों का जैसा भी कोई कष्ट है अगर उसका निवारण है तो संत रामपाल जी से दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है सर अपने टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं काफ़ी सारे चैनल हैं उन पर संत रामपाल जी के प्रवचन आते हैं तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है वो पट्टी के नंबर लिखे हुए होते हैं वो नंबर पे संपर्क करके और जहाँ भी नज़दीकी जो नामदान केंद्र है वहाँ से आप भक्ति ले सकते हैं नाम दीक्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर थैंक यू सर